सदर क्षेत्र स्थित दामोदरपुरा के समीप वन विभाग की अनदेखी के चलते यूकेलिप्टस का विशालकाय पेड़ टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। इस पेड़ की चपेट में आकर दो बाइकों पर सवार तीन युवक घायल हो गए। दामोदरपुरा वासियों ने आनन फानन में पेड़ काटकर सड़क सुचारू की। ये नजारा दामोदरपुरा के समीप स्थित उस सड़क का है जहां पेड़ गिरने से न सिर्फ तीन लोग घायल हुए बल्कि विद्युत खंभा टूटने के साथ दोनों ओर का मार्ग अवरुद्ध हो गया। हम आपको बता दें कि रात लगभग 8:30 बजे दामोदरपुरा के समीप सड़क किनारे खड़ा यूकेलिप्टस का पेड़ अचानक भरभराकर गिर पड़ा। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन युवक पेड़ की चपेट में आकर घायल हो गए। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर दामोदरपुरा निवासी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और घायल युवकों को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पेड़ इतना लंबा था कि सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। स्थानीय नागरिकों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी लेकिन एक घंटे बाद भी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। लिहाजा युवाओं ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर दिया। वहीं इस दुर्घटना की खबर पाकर पहुंचे पार्षद सुरेश निषाद ने दुर्घटना को लेकर जानकारी दी। कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, केवल यहाँ नाला है, नाले की वजह से पेड़ टूटा। अच्छा। वन विभाग को तुरंत सूचना कर दी गई, 100 नंबर पुलिस मौके पे आ गई। अच्छा। पेड़ को गिरते ही, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं आई है। और गांव वाले सुचारू रूप से सहयोग कर रहे हैं, केवल आगे आगे की लकड़ों को काट के रोड को साफ कर रहे। अच्छा। केवल उनका सहयोग है कि रोड साफ हो जाए, जबकि ये काम जो है वन विभाग का होना चाहिए। तो पुलिस भी मौके पहुंच चुकी है, मौके पर खड़ी हुई है, चौकी इंचार्ज भी खड़े हुए। अच्छा, दोनों तरफ जाम भी लग गया है। दोनों तरफ जाम है, काफी देर से जाम है, आधे घंटे से ऊपर हो गया। विशाल पेड़ गिरने के कारण टूटे विद्युत खंभे से औरंगाबाद, नरसिंहपुरम, कदम बिहार समेत दर्जनों कॉलोनियों की विद्युत आपूर्ति भंग हो गई। तो वहीं खबर पाकर पहुंचे विद्युत विभाग के जेई शैलेंद्र अग्रवाल ने स्थिति को संभालना शुरू कर दिया। उधर लगभग 1.5 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में भारी रोष था। जब G9 न्यूज की टीम ने वन विभाग कर्मियों की लेट लतीफी के बारे में पूछा तो वो लगाने लगे बहाना। मेरे पास सब जैसे ही सूचना आई है, मैं तुरंत। सभी का कहना है कि आपको सही समय पर सूचना दी गई थी, उसके बाद कोई वन विभाग का आदमी नहीं आया। और आपको, आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने कौन है, वन विभाग के आदमी है? ये वन विभाग के आदमी है? ये प्राइवेट आदमी नहीं है, आपने नहीं भेजे, ये यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग हैं, रोड साफ कर रहे हैं, कोलारी चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए आप मुझे। मैं तो आया हूँ, तुरंत ही आया हूँ, जैसे मेरे पास सूचना आई। कितनी देर बाद आए आप? तो पूरी सड़क जब आधी साफ होगी उसके बाद आए आप? आधा घंटे बाद? आधा घंटे तो हमें यहाँ खड़े हुए हो गए, हमारे सामने साफ हो रहा है यहाँ पर। सूचना जैसे ही आई मैं आ गया। सर आप कह रहे हैं आपने प्राइवेट आदमी भेज दिए, कौन सा प्राइवेट आदमी भेजा आपने यहाँ पर? आरा से काट रहा है वो प्राइवेट आदमी, और बाकी जो कुल्हाड़ी चला रहे हैं वो ये तो जन सहयोग तो सब करते ही, जन सहयोग करते तो ड्यूटी तो आपकी है ना। 8 घंटे, 1 घंटा हो गया आप नहीं आए, मालूम है आपको? मैं 8 घंटे है, कितने पेड़ हैं यहाँ इस रोड के अंदर, इस रोड पे कितने पेड़ हैं यहाँ पर जो सूखे पड़े हुए हैं और गिरासू हालत में है, वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पर। इसके लिए साहब साफ से बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं इनको, मतलब नहीं, वैसे कोई बात आती तो आप तुरंत सतर्क पड़ते हो, अगर कोई बात अगर जेन्युइन वाली बात आती है तो आप साफ लोगों को टाल देते हो। क्यों क्यों भाई, कोई पेड़ टूटे कगार पे है, कोई पेड़ टूटे कगार पे है, आपको सूचना दे रहा है, उसके बाद आप यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। हम तुरंत आए 8 घंटे में। 8 घंटे में नहीं आए आप, 1.25 घंटे में आए हैं, हम यहाँ मौजूद हैं यहाँ पर। आधा घंटा तो हमको हो गया यहाँ पर, पेड़ के लोग को 8 घंटा हो चुका है। 8:45 बजे गिरा, देखिए कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, घड़ी देखिए बताइए, घड़ी देखिए बताइए, 9:30 में कितना अंतर होता है बताइए आप। तो गलती अच्छा बताइए, अभी अब पेड़ काट रहा होता है यहाँ पर, अभी तुरंत चपक पड़ते हैं आप।